ये कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। मार पूरा कोला पेड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उस श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता, ब्राह्मण के भोजन। महाराज ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन, उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकौड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। तीन भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाते हैं। इसलिए ये तीन भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी, बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं कराओ, क्यों नहीं कराओ? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौए की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौए की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद जरूरी। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे तो पितृदोष बहुत ज्यादा है, एक रुपए कमा रहे हैं सवा रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान चार दिन अच्छी चल रही है फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप लगते नहीं, पटक देते यहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें एक चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंडा जहां होता है मटका हंडा, या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में विवेक में समाहित हो उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर, बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता, उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए, ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो, यहां तक शास्त्र कहता है। महाराज अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम नहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है, दक्षिण में उसका मुख आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण, दक्षिण मुखी हो तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का, और दक्षिण का मुख जब जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें, जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है ढाका गया है वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ है या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिवजी को समर्पित कर जाएं और रुद्राक्ष लेकर वापिस आ जाए महाराज।
वापिस आ जाए। उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए, वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, एक मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिए। रुद्राक्ष का जन्म शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं, शिव के ऊपर चढ़ाओ। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हो, सब चढ़ा के पुष्प चढ़ते हो, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आंख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं मंजरी, वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, संपूर्ण सामग्री है, भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं, 1,25,000 दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का, सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। देख पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले एक चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले एक चम्मच दूध लेकर जाओ, एक कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से एक चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले छोटा सा कटोरी मिलेगा चढ़ा दिया, जल लेगा चढ़ा दिया, हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए, बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़ इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करता है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बटका, ये 3 पितरों के तुल्य हैं, इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज, बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये बाबा पर विश्वास रखो, शंकर भगवान पर भरोसा, विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। पाने की ललकता है, वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने, पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला, नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां, इन 3 बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देव अधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी